10 जवान। कार्तिक आर्यन की फैंस उनकी अपकमिंग मूवी चंदू ट्रम्पियन की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो 4 महीने बाद रिलीज होने वाली है। मूवी की शूटिंग के चलते कार्तिक को देश दुनिया की सैर करनी पड़ी। यही नहीं, इसके लिए शूटिंग के प्रोसेस में कार्तिक ने शुगर इंटेक भी बंद कर दिया। मूवी की शूटिंग यूके और महाराष्ट्र के वाई गांव में हुई। मूवी में कोई ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास स्थित महाराष्ट्र के वाई गांव के आसपास के लैंडस्केप को दिखाया गया है, जो मूवी की कहानी में सुंदर विजुअल्स ऐड करेगा। कार्तिक आर्यन ने हाल ही में जिम में वर्कआउट करते हुए अपना एक वीडियो भी शेयर किया था, लेकिन लोग एक्टर को देखने की बजाय उनके बराबर में जिम कर रही उनकी दादी को देख रहे हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वर्कआउट वीडियो में कार्तिक 50 किलो के डंबल उठाते हुए दिख रहे हैं, वहीं उनकी दादी को उनके बगल में एक्सरसाइज करते हुए देखा जा सकता है। कार्तिक ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, दादी ऑन फायर, मुझ पर फोकस मत करो बल्कि मेरे पीछे के चैंपियन पर ध्यान दो, वो हमेशा जिम में वर्कआउट करती हैं और रियल इंस्पिरेशन है। चंदू चैंपियन के लिए एक्टर ने एक प्लेयर के रियल लाइफ दिखाने के लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। कार्तिक भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडल विनर मुरलीकांत पेटकर की भूमिका निभा रहे हैं। मुरलीकांत पेटकर का जन्म 1 नवंबर 1947 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के पेट इस्लामपुर में हुआ था। पेटकर को बचपन से ही खेलों में इंटरेस्ट था। इसके बाद उन्होंने 1965 में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर में शिल्पकार रैंक के एक सैनिक के रूप में इंडियन आर्मी में सेवाएं दी। साल 1964 में टोक्यो जापान में अंतर्राष्ट्रीय सेवा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में उन्होंने पदक जीता, जिसके कारण उन्हें जम्मू और कश्मीर भेज दिया गया था। हालांकि उनका जीवन उस समय उलट पुलट हो गया जब 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उनकी तैनाती कश्मीर के सियालकोट सेक्टर में हो गई। भारत पाक युद्ध के दौरान उनकी बटालियन पर हवाई हमला हुआ और उन्हें 9 गोलियां लगी, जिससे वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए, जिसके बाद उनका गोल स्पोर्ट्स बंद हो चुका। मुरलीकांत ने 1972 में जर्मनी के हिलबर्ग में समर पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग कॉम्पिटिशन में 37.33 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। चंदू चैंपियन को साजिद नारियादवाला और कबीर खान ने बनाया है। ये मूवी 14 जून को रिलीज होगी। खैर, अब आप बताओ कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।